एसएमएस में सुरक्षा की मांग को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है। अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए लगाए गए बाउंसर्स को हटाया गया, जिसके बाद से रेजिडेंट डॉक्टर्स ने दो दिन तक काली पट्टी बांधकर रेजिडेंट डॉक्टर सुरक्षा और पीजी की बढ़ाई गई फीस को वापस लेने की मांग की। और यदि सरकार और अस्पताल प्रशासन मांगों को नहीं मानता है तो सोमवार से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। एक राज्य सेवा की अनिवार्यता कर देगी उस सेवा चिकित्सकों के लिए एक साल के लिए, और साथ ही हमारे एक हॉस्टल अलॉटमेंट और एचआरए का मुद्दा है, तो चार हमारी मुख्य मांगे हैं। उसके अलावा हमारी कुछ मांगे, छोटी मोटी मांगे और हैं, तो हमारी राज्य सरकार और स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन है कि हमारी सिक्योरिटी की व्यवस्था, फीस वृद्धि की वापसी लो, और एनओसी की जो बाध्यता की है उस आदेश को वापस लो, और एचआरए या हॉस्टल अलॉटमेंट का काम जल्दी से जल्दी शुरू करें। कल हमारी शाम को जीबीएम हुई संपूर्ण रेजिडेंट डॉक्टर्स की, तो वहाँ हमने निर्णय लिया कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो आज और कल दो दिन हम काली पट्टी बांध कर इसका विरोध करेंगे। शनिवार को 16 तारीख को हम दो घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। सोमवार से अनिश्चितकालीन कार्य, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो सोमवार से हमें अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर जाना पड़ सकता है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। एनओसी के मैटर में, फीस वृद्धि के मैटर में हम सीएम सर को तक ज्ञापन दे चुके हैं, चिकित्सा मंत्री को ज्ञापन दे चुके हैं।